नमस्कार आप सभी को, मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम धर्मेंद्र लाल है, मैं उत्तराखंड के टिहरी ज़िले से हूँ और विगत 20 सालों से यहाँ फॉरेन में रहता हूँ, सेंट मार्टिन में। दोस्तों, आपको इस बात से अवगत कराना है कि आजकल इन 15 दिनों के लिए पूरे विश्व को WHO संगठन के द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन के आधार पर बंद कर दिया गया है। विश्व का हर कोई देश अभी 15 दिन के लिए शटडाउन हो चुका है। पूरे ट्रांसपोर्टेशंस, दुकानें, रेस्टोरेंट्स, मॉल्स, एवरीथिंग्स आर शट डाउन फॉर 15 डेज। और ये, जैसे आप सभी को विदित होगा कि ये सब कोरोना वायरस की वजह से किया गया है कि कोरोना वायरस पर कंट्रोल किया जा सके और जनसंपर्क टूट जाए, जिससे कि एक दूसरे से लोग न मिल पाएँ और बीमारी से संक्रमित न हो। ये वायरस एक विश्व संकट बन चुका है, इसे हम वर्ल्ड एपिडेमिक कह सकते हैं या ग्लोबल पेंडेमिक सिचुएशन जो अभी बनी हुई है, ये बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन है। जिस तरह से अमेरिका में ये वायरस आउटब्रेक हो रहा है, वो बहुत ही चिंतनीय मैटर टू कंसर्न सभी के लिए है। आप देख सकते होंगे कि 4 दिनों के अंतर्गत जिस तरह से यहाँ पर अमेरिका में केसेस बढ़ रहे हैं। पहले दिन जब ट्रंप ने पब्लिक को एड्रेस किया था, उस दिन लगभग 1200 केसेस थे। आज के दिन पर 6000 के करीब केसेस हो गए हैं और सभी लोगों के अंदर भय का माहौल बना हुआ है और ये होना भी स्वाभाविक है। साथियों, हालांकि जहां पर मैं हूँ, ये सेंट मार्टिन में, यहां पर अभी तक एक भी केस नहीं हुआ है और सुरक्षा के लिए पूरे एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। पूरे ट्रांसपोर्टेशन के जितने भी संसाधन हैं, सबको बंद कर दिया गया है। होटल, रेस्टोरेंट, मॉल्स, एवरीथिंग इज़ क्लोज्ड फॉर 15 डेज। सो गवर्नमेंट इज़ टेकिंग वेरी गुड एक्शन एंड दे कंट्रोलिंग एवरीथिंग एंड सपोर्टिंग पीपल। सो ये हो रहा है और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि विश्व की हालात को देखते हुए, जैसे इटली में 2500 के करीब लोग मर चुके हैं, जो सरकारी आंकड़ा है वहाँ का। और जैसे आपको मालूम है, चाइना पूर्ण रूप से अपनी आंतरिक जो उनका माहौल है, उसको मीडिया के माध्यम से लोगों तक नहीं बता रहा है, लेकिन वहाँ पर मरने वालों की तादाद हज़ारों में हो सकती है। लेकिन उन्होंने हाल फिल मीडिया के माध्यम से जानकारी देना बंद कर दिया है। ये हालत बनी हुई है और अभी मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये कोरोना वायरस जो है, इसको साधारण वायरस न समझें और इसे हल्के में न लें। प्रिकॉशन करें, प्रिवेंशन करें, जहाँ भी हो आप सुरक्षित रहें। आपको ये बात बता दूँ कि बैक्टीरिया और वायरस में बहुत बड़ा अंतर होता है। बैक्टीरिया जनित बीमारियों का जो है, इलाज बहुत आसानी से हो जाता है और लोग करते भी हैं। दवाइयों को उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन ये जो वायरस है, ये बहुत ही ख़तरनाक वायरस है। इसकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है और अभी तक 4-5 महीने तक अभी तक कोई संभावना भी नहीं है कि कोई वैक्सीन मार्केट में आएगी। तो बता दूं कि वायरस जनित जो बीमारियां होती हैं, वो काफ़ी ख़तरनाक होती हैं। वायरस क्या होता है? बैक्टीरिया जो होता है, वो खुद पर आधारित होता है। एक जीव होता है जो खाता है, पीता है और अपने आप पर आधारित होता है। लेकिन वायरस, जिसे हम हिंदी में परजीवी कहते हैं या विषाणु कहते हैं, ये दूसरों पर आधारित होते हैं। ये इनको जीवन जीने के लिए किसी जीवित कोशिका की ज़रूरत पड़ती है, किसी जीवित प्राणी की ज़रूरत पड़ती है जिसमें ये जीते हैं। वैसे ये मरे हुए होते हैं, लेकिन सजीवों की तरह आचरण करते हैं। और जैसे ही ये वायरस
ये परजीवी किसी जीवित कोशिका में, जैसे इंसान में या किसी पशु पक्षी के अंदर जब ये घुसता है तो वहाँ ये उन कोशिकाओं में जाकर अपना जीवन जीना शुरू करता है, और ये एक जेरोक्स मशीन की तरह, कॉपी की तरह अपने अपने आप को नंबर बढ़ाने लगता है, अर्थात अपना अपनी काउंटिंग बढ़ाने लगता है। तो यही कारण है कि ये वायरस इतने खतरनाक है। और दूसरी बात यह है कि ये वायरस, वैसे नॉर्मली जो वायरस होते हैं, साधारण वायरस वो जैसे ही उनको अगर छः एक मिनट दो मिनट या चार पाँच मिनट या दस मिनट आधा घंटे तक अगर कोई जीवित कोशिका नहीं मिलती है तो वो मर जाते हैं। लेकिन ये कोरोना वायरस ऐसा है कि ये कम से कम बिना किसी जीवित कोशिका के 8 से 12 घंटे तक जीवित रह सकता है। दूसरी, अगर कहीं ठंडी जगह है या एयर कंडीशन हाउस हैं, अगर ये वायरस वहाँ पर कहीं रहता है ठंडी जगहों पर, तो ये 24 घंटे तक बिना किसी जीवित कोशिका के जिंदा रह सकता है। तो यही कारण है कि ये वायरस इतनी तेज़ी से फैल रहा है। और इस वायरस से बचने के मैं आपको उपाय बता दूं, वैसे तो आप सभी लोग देख रहे हैं और दुनिया भर की जानकारियां सामने आ रही हैं, जहां तक हो सके जहां भी आप पब्लिक टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं, चाहे कोई मॉल यूज़ कर रहे हैं या रेस्टोरेंट में जा रहे हैं या बसों में सफ़र कर रहे हैं, ऑटो में सफ़र कर रहे हैं या किसी से मिल रहे हैं, तो जहाँ तक हो सके अपने हाथों को हर बार साबुन से धोएं। वैसे साबुन से ये वायरस मरता नहीं है, लेकिन इससे आपके हाथ से निकल जाएगा। और ऐसे ही कंटिन्यू करते रहें। इसके लिए दूसरा ये है कि जैसे हमारे देश में सैनिटाइज़र का प्रॉब्लम है, सैनिटाइज़र वहाँ पर बहुत कम होता है भारत में, या लोग कुछ लोगों की इस बारे में जानकारी भी नहीं होती है, तो उसके लिए अल्कोहल, जैसे आप सभी को मालूम होगा कि अल्कोहल जिसे हम दारू कहते हैं हिंदी में, उसी के बेस पर जो होते हैं सैनिटाइज़र होते हैं, तो आप अपने घरों में एक किसी बर्तन में 1 लीटर पानी रखें या 2 लीटर पानी रखें, उसमें 2 लीटर में अगर 2 चम्मच आप कोई अच्छी अल्कोहल डालते हैं, दारू डालते हैं अच्छी ब्रांडेड, तो वो आपका सैनिटाइज़र का काम कर सकता है, और आप उससे हाथ पोंछे या अपने घरों की सफाई में उसको यूज़ कर सकते हैं। और उसको कीजिए ठंडी जगहों पर, जैसे पहाड़ हैं हमारे वहाँ पर एज ए मेडिकल पर्पज़ आप लोग अल्कोहल का इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी दारू पी सकते हैं। और साफ़ सफाई के लिए, जैसे कि वायरस बहुत ही एक्टिव रहता है ठंडी जगहों पर, तो वहाँ पर अपनी साफ़ सफाई है, तो एज ए सैनिटाइज़र आप उस अल्कोहल को यूज़ कर सकते हैं और करें। तो ये थे उपाय, और इस बात को जान लें कि वायरस से होने वाली बीमारियों का इलाज इतनी आसानी से नहीं हो पाता है। दूसरी बात, ये बीमारी का संक्रमण इतना तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है, इसका मुख्य वजह ये है कि ये वायरस जब किसी पीड़ित व्यक्ति कहीं बस में बैठता है या कहीं पब्लिक टॉयलेट में बैठता है, रेस्टोरेंट में बैठता है या कहीं पर भी बैठता है या घर में बैठता है, वो छींकता है तो ये वायरस उसके मुँह से बाहर निकलता है और ये कहीं पर जमा हो जाता है या आपके कपड़ों में गिरता है, या वो व्यक्ति किसी आपके दरवाजे को हैंडल टच करता है या आपके बाथरूम को टच करता है या बाथरूम के पाइप को घुमाता है पानी के लिए, या आपकी गाड़ी बस में हाथ को लगाता है, तो वो सारी जगहें जो हैं कंटामिनेटेड हो जाती हैं और वो वायरस वहाँ पर टिक जाता है। इस बीच अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति 8 से 9 घंटे या 12 घंटे के अंदर उस बस में सफ़र करता है या उस पाइप या उस टॉयलेट को यूज़ करता है या उसके द्वारा छुई हुई वस्तुओं पर हाथ लगाता है, तो वो व्यक्ति भी इन्फेक्टेड हो जाता है, उसको भी कोरोना वायरस हो जाता है। इसलिए जब भी आप ऐसी जगहों पर जाएं तो अपने हाथों को धुलें, हाथ चेहरे को न पोंछें अपने, इसको ये वायरस मुख्य तौर पर आम तौर पर ये मुँह पे नाक द्वारा और आँखों के द्वारा आपके शरीर में प्रवेश करता है। तो अपने चेहरे को न पोंछें। वैसे मानव मनुष्य एक घंटे के अंदर 30 बार कम से कम अपने चेहरे को पोंछता है अपने हाथों से, लेकिन ये हैबिट को अभी हाल फिल के लिए तोड़ना पड़ेगा। तो ये सब हो रहा है, बाकी ऐसे ही जैसा ये संकट बना हुआ है,
अगर ये कंटिन्यू रहा तो बहुत बड़ी समस्या हो रही है, और मुझे लगता है कि अभी हाल फिल कुछ कहा नहीं जा सकता कि लंबे कितने समय तक ये समस्या बनी रहेगी और इस समस्या का निवारण कब होगा, इस बात की अभी तक किसी को जानकारी नहीं है। और विश्व के सभी देश, जैसे न्यूयॉर्क जैसे सिटी बंद हो चुकी है, विश्व के बड़े बड़े शहर पूरे एयरपोर्ट बंद हो चुके हैं, आने जाने की समस्या हो रही है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। आप भी कोशिश करें कि अपने घरों में ही रहें, बाहर ना निकलें, जनसंपर्क ज़्यादा ना करें, हाथ ना मिलाएं लोगों से। अगर तकलीफ़ हो रही है किसी प्रकार को, आपको अपने पर संदेह है, तो डॉक्टरों से संपर्क करें, डॉक्टरों से सलाह लें, और ऐसा करना बहुत ही अनिवार्य है। देखिए, आज जैसे आप देख सकते हैं पूरा शहर एकदम शांत पड़ा हुआ है, कोई भी बाहर नहीं निकल रहा है, पूरे होटल सब बंद पड़े हुए हैं, पूरे बीचेस सब बंद हैं, हाल फिल कोई भी रोड पर नहीं है, तो ऐसा माहौल बना हुआ है। और आप सभी से मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि सरकार की अपनी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन एक आम नागरिक होने के नाते सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, और सरकार को इस मुहिम से लड़ने में सहयोग करना चाहिए। अपने घरों में रहें, बी सेफ, बी रिस्पॉन्सिबल एंड बी रिस्पॉन्सिबल, बी सेफ, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड टेक केयर एंड